गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ टेंस. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. हैबिचुअल एक्सप्रेस यानी कि जो हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. तो हैबिचुअल एक्शन में कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए आपके हैबिचुअल, देखिए हैबिचुअल वर्ड्स इज़ मेड फ्रॉम हैबिट. हैबिट वर्ड से ही बना है हैबिचुअल वर्ड. हैबिट मीन्स होती है हमारी जो आदतें होती हैं. तो हैबिचुअल एक्शन मीन्स यानी कि जो हमारी आदतों से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे उन्हें हम किस टेंस में चेंज करेंगे, उन्हें हम चेंज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. देखिए जैसे एग्जांपल है, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. आई गेट अप एवरी डे कि मैं हर दिन, एवरी डे यानी कि प्रतिदिन 5 o'clock पे उठता हूँ. वो बोल रहे कि मैं सुबह प्रतिदिन सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ. तो यानी कि ये क्या है, उसकी आदत है, वो रोज़ उसी टाइम पे वो काम कर रहा है, 5 बजे वो हर रोज़ उठ रहा है. तो वो उसकी क्या है, हैबिट है, वो उसकी क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, वो उसका आदत है. तो इस टाइप से अगर आपको कोई भी सेंटेंसेस दिखेंगे तो उसमें वर्ब आपको किसके अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ होती है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, ये हमने कल हम ये डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो आई के साथ एस आई एस का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं. अगर यहाँ पे ही होता तो ही की जगह यहाँ पे जो गेट है, गेट के बाद एस ऐड हो जाता, तो ही गेट्स अप एवरी डे एट 5 o'clock, तो तब यहाँ पे गेट के टी के बाद एस ऐड होता. बट यहाँ पे आई है तो इसलिए यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, उसमें एस सी आई एस का यूज़ हमने नहीं किया है. तो एक फर्स्ट रूल हो गया, प्रेजेंट टेंस दिखाएगा हैबिचुअल एक्शन को. सेकंड में आइए, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स. अगर हम जनरल ट्रूथ की बात करें यानी कि जो क्या है, जो ट्रूथ होते हैं, जो सार्वभौमिक सच्चाई होती हैं, जो चेंज नहीं होती है, जो हमेशा वैसे ही रहती हैं, कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी प्लेस में आप चले जाइए, वहाँ वो सेम ही रहेंगी. तो वो होते हैं जनरल ट्रूथ्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. अब देखिए फॉर्चून क्या होता है, जो भाग्य होता है, फेवर्स द ब्रेव, वो भी जो बहादुर होते हैं उनका साथ देता है, कौन, भाग्य. थर्ड, इन विविड नैरेटिव एज द सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट. अब देखिए विविड नैरेटिव की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे देखिए क्या है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट यानी कि एक विकल्प के रूप में, सिंपल पास्ट टेंस के विकल्प के रूप में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसका यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट हो गया हमारा हैबिचुअल एक्शन, सेकेंड हो गया जनरल ट्रूथ, थर्ड हो गया विविड नैरेटिव्स. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल. अब देखिए इमीडिएटली मैंने हो गया, तुरंत जो सुल्तान था वो अपनी कैपिटल की ओर हरी, मतलब वो वहाँ गया. तो यानी कि ये क्या है, ये यहाँ पे हमें इसके सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये क्या है, पास्ट सिंपल में बनना चाहिए था, बट हमने विविड नैरेटिव यहाँ पे है, इस वजह से हमने इसे क्या किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने इसे बनाया. अब देखिए ये जो थर्ड वाला रूल है इसका यूज़ जो होता है वो कम होता है, बट जो स्टार्टिंग के टू रूल्स हैं, हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रूथ, इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. फोर्थ वन है, टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोग्राम और टाइम टेबल. अब देखिए फ्यूचर में मान लीजिए कोई इवेंट होने वाला है, कोई फ्यूचर में कोई प्रोग्राम होने वाला है, दैट इज़ पार्ट ऑफ अ फिक्स प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम क्या है, उसकी डेट क्या है, फिक्स है, और टाइम भी उसका फिक्स है कि इस टाइम पे होगा, इस डेट में होगा. तो ऐसे जहाँ पे भी सिचुएशन आएगी तो उसके लिए हमें प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है. देखिए द ट्रेन लीव्स एट 5:20 AM. जो ट्रेन है वो हमेशा 5:20 पे, सुबह 5:20 पे वो जाती है या जाएगी. तो यानी कि वो क्या है, लीव्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 5:20 में जाएगी ट्रेन, 5:20 सुबह के 5:20 पे ट्रेन जाएगी. अब देखिए गागी की आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इवेंट को दिखा रहा है, बट उसका टाइम यहाँ पे फिक्स किया है कि एग्जैक्ट 5:20 पे जाएगी वो, उसका फिक्स टाइम है कि 5:20 पे वहाँ से स्टेशन से वो क्या होगी, निकल जाएगी. तो फिक्स टाइम के लिए, फिक्स प्रोग्राम के लिए हमें प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका यूज़ हमें करना है. तो ये थर्ड, जो फोर्थ रूल है ये भी क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका.
इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस. अब देखिए कोटेशंस की जहाँ पे बात होती है, जो जिन कोटेशंस का आप यूज़ करते हैं, जो कहावतें हम कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. ये आपकी 12th क्लास में एक पोएम भी है, थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उसी की एक लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. तो देखिए कीट्स ने कहा था कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि जो किसी वस्तु की जो सुंदरता होती है वो हमेशा हमें क्या देती है, आनंद देती है. देखिए वस्तु की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात यहाँ पे नहीं हो रही है. तो किसी वस्तु की जो सुंदरता होती है इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमें क्या देती है, आनंद देती है. तो ये कीट्स के वर्ड्स हैं, कीट्स ने ऐसा बोला है. तो कीट्स की ये कोटेशन है. तो इसे हम जब भी हम ऐसे किसी की कोटेशन बताएंगे तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज़ करेंगे. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका. अभी तक हमने देखिए कौन कौन से रूल पढ़े, एक था हमारा हैबिचुअल एक्शन, एक सेकेंड वन था हमारा जनरल ट्रूथ, थर्ड था हमारा फ्यूचर में अगर हमें कोई फ्यूचर में कोई इवेंट हो रहा है तो उसे हमें दिखाने के लिए, यानी कि फ्यूचर में मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई घटना हो रही होगी या फिर कोई वहाँ पे प्रोग्राम फिक्स किया गया है कि फ्यूचर में इस टाइम पे होगा, और फिक्स टाइम है उसका, फिक्स डेट है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. और नेक्स्ट वन है कोटेशन, कोटेशन के लिए भी जहाँ पे कोटेशन हमें बतानी होगी उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट. अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, सेंटेंसेस जो है वो हमने कर लिए हैं, तो आप सेंटेंस, जब यहाँ पर सेंटेंसेस की बात हुई है तो इसी के साथ साथ आपको, आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको सेंटेंसेस का जो हमने वीडियो बनाई थी वो आपको दोबारा से देखनी है और उसे उसका रिवीजन कर लेना है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी बिगनिंग अगर हेयर या देयर वर्ड से हो रही है, ओके, हेयर या देयर वर्ड से हो रही है, और उसमें क्या है, एक्सप्रेस व्हाट इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, और वो किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि प्रेजेंट में, कि वर्तमान में कोई चीज़ हो रही है उसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, या फिर जिसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं उसका यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हेयर कम्स द बस. अब देखिए हेयर कम्स द बस, बस क्या है, यहाँ आती है बस, हेयर कम्स द बस, बस आती है. तो यानी कि इसके लिए आती है के लिए हमने किसका यूज़ किया है, अगेन ये क्या दिखा रहे हैं, हेयर वर्ड का यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है. तो देखिए हेयर वर्ड का अगर स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है, हेयर या देयर वर्ड का, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल जिसे हम बोलते हैं उसका यूज़ हम करते हैं. तो ये भी एक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रूल है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ कि ये रूल क्या है, इम्पॉर्टेंट है. तो ये भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट रूल है, इसे भी आप इसके अभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे. लास्ट रूल है इसका, देखिए व्हेन टू एक्शंस ऑफ द फ्यूचर आर बीइंग टॉक्ड अबाउट. जब फ्यूचर में दो एक्शन की बात होगी, यानी कि दो एक्शन हो रहे हैं, दो कार्य हो रहे हैं, दो क्रियाएं हो रही हैं, वन डिपेंडेंट ऑन द अदर, एक क्रिया दूसरे क्रिया पे क्या है, डिपेंड है, यानी कि उस पर आश्रित है. द फॉर्मर एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट सिंपल एंड द लेटर बाय फ्यूचर सिंपल. अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड यूज़ हुए हैं इन लाइन में, दो वर्ड यूज़ हुए हैं, एक हुआ है फॉर्मर और एक हुआ है लेटर. देखिए फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाला, हिंदी में आप इसकी मीनिंग समझ लेंगे, पहले वाला. लेटर का मीनिंग होता है बाद वाला, ओके, फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला. अब देखिए यहाँ पर टू एक्शन की बात हुई है, दो एक्शन हो रहे हैं, तो पहला एक्शन जो भी होगा, पहले वाला जो एक्शन होगा उसकी बात हो रही है कि अगर पहले वाला एक्शन क्या है, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट सिंपल, पहले एक्शन को हम प्रेजेंट सिंपल से दिखाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे. और जो दूसरा एक्शन होगा, यानी कि जो दूसरी क्रिया है या फिर जो दूसरा कार्य हो रहा है उस सेंटेंस में, उसे हम फ्यूचर सिंपल से दिखाएंगे. देखिए एग्जाम्पल से इसे और क्लियर हो जाएगा आपको. वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम. अब देखिए इसमें क्या है, वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम. तो इसमें पहला एक्शन जो है वो क्या है, पहला एक्शन कौन सा हो रहा है इसमें, देखिए कि वी शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो, हम जाएंगे, व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम, जब बच्चा घर वापस आ जाएगा. यानी कि अब ये बताइए, जब हम जाएंगे, जब बच्चा घर वापस आ जाएगा, इसमें जाने का काम पहले हो रहा है या बच्चे के आने का काम पहले हो रहा है,
हम जाएंगे जब बच्चा घर वापस आ जाएगा। अरे जब बच्चा घर वापस आएगा तभी तो ये लोग जाएंगे ना, उनके कहने का सिंपल मीनिंग यही तो है कि जब बच्चा आ जाएगा उसके बाद ये लोग जाएंगे, कि व्हेन वी शैल गो, हम जाएंगे जब बच्चा घर वापस आ जाएगा, या फिर जब बच्चा घर वापस आ जाएगा तब हम जाएंगे। तो यानी कि ये जो आने का, बच्चे के वापस आने का काम है, ये क्या है, फॉर्मर एक्शन है, फॉर्मर एक्शन है हमारा, इसे हम FA से दिखा सकते हैं, फॉर्मर एक्शन। और यहाँ पे जाने का काम जो है, हमारे जाने का काम, ये क्या है, लेटर एक्शन, तो इसे हम LA से दिखा सकते हैं, ये फॉर्मर एक्शन और ये लेटर एक्शन। अब हमें देखिए, फॉर्मर एक्शन को हमें वर्ब कौन से टेंस में बनाना है, फॉर्मर एक्शन को प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, वर्ब के साथ एस लगा दिया हमने, चाइल्ड है क्योंकि ये सिंगुलर है। लेटर, लेटर के साथ हमने किसका यूज़ किया, देखिए लेटर यहाँ पे अगेन गो की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। देखिए फ्यूचर टेंस हमने देखा था कि फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, विल शैल होती है, और आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, बाकी सभी के साथ किसका यूज़ होता है, विल का यूज़ होता है। तो आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, यहाँ पे वी के साथ शैल का यूज़ है, तो ये क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो इस टाइप से आपको सेंटेंसेस, जब भी आपके सामने सेंटेंस आएंगे कि एक एक्शन फ्यूचर को दिखा रहा है, एक एक्शन के होने के बाद दूसरा एक्शन होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इस वाले जो लास्ट रूल है इसमें फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल दोनों का यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ करना है ये हमने आपको बता दिया। तो ये हमारा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो रूल्स हैं उनके बारे में, इम्पोर्टेंस थे जिसमें से आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, जिससे हमें क्या हो, ये जो हमारा टेंस है ये हमें इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड नहीं आते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपको इस टाइप से एक सेंटेंस दे देंगे और उसमें आपको जो वर्ब है वो फिल करनी होगी। अब वर्ब आपको कैसे फिल करनी है, जो उसमें आपको सेंटेंसेज दिख रहे हैं उसकी मीनिंग से आपको फिल करनी है वो, और अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रही है तो मीनिंग से रिलेटेड कुछ की वर्ड्स होते हैं हर टेंस के, तो उनके अकॉर्डिंग आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है की वर्ड्स को, और फिर आपको वर्ब का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, ऐसे ही हम डेली एक टेंस कवर करेंगे, सब कैटेगरी टेंस की एक सब कैटेगरी हम कवर करेंगे, और फिर हम नोट्स के थ्रू जो उसकी एग्जाम्पल है उसकी और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, जिससे वो जो टेंस है पर्टिकुलर सब कैटेगरी की बात हो रही है एक टेंस की, वो हमें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। थैंक यू।